my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. सो जी हाँ, शादियों का सीज़न आ चुका है और हमारी टीनेजर्स और बिगनर्स गर्ल्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं क्योंकि उनको मेकअप का जो है एम भी नहीं आता. तो जी आज मैं आप लोग के साथ बिगनर्स और टीनेजर्स गर्ल्स के लिए मेकअप शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें उनके मेकअप पाउचेस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है. तो ये वीडियो खासकर टीनेजर्स और बिगनर्स के लिए है कि उन्हें कौन कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है और जो उनको अफोर्डेबल प्राइस में किस कॉस्मेटिक शॉप से मिल सकता है. तो आज मेरी वीडियोस उन गर्ल्स के लिए है जिन्हें मेकअप के बारे में कुछ भी इल्म नहीं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उन्हें कौन सा मेकअप या कौन सा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए जो उनको फ़ायदा भी दे और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, और उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में इल्म भी नहीं होता. तो सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो हर लड़की के मेकअप पाउच में लाजमी होता है, मेरे तो बहुत होता है क्योंकि मुझे ब्लश पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे अपने एप्पल चिक्स बनाना तो बहुत ज़्यादा पसंद है और डेफ़िनेटली ये शौक़ आपको भी होगा. तो अगर आप अपने एप्पल चिक्स अच्छे से बनाना चाहते हैं जो अच्छे और नेचुरल लगे, तो उसके लिए आपके पास 5 कलर पैलेट होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, जो कि आपको किसी भी शॉप या कॉस्मेटिक शॉप से आराम से मिल जाएगी. ये न्यू आई है और इसकी थोड़ी सी हार्ड पैकेजिंग है और बहुत खूबसूरत 5 कलर्स इसमें मौजूद हैं. आप देख सकते हैं इसमें 5 कलर मौजूद हैं और बिल्कुल ही नेचुरल कलर मौजूद हैं, बिल्कुल ही मैट कलर्स हैं. इसमें कोई चंकी या कोई चमक दमक बिल्कुल भी नहीं है. आप इसको दिन के वक्त भी आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी जो है ग्लिटर या डिस्को वगैरह बिल्कुल भी नहीं दी. अगर आप नेचुरल लुक चाहते हैं तो ये वाली किट आपके पास पैलेट होना बहुत लाजमी है. इसकी प्राइस थी 650 रुपीज़ और ये बहुत ज़्यादा अरसा चल सकती है. तो दुल्हनों के मेकअप पाउच में ये चीज़ या बिगनर्स के पास ये चीज़ होना बहुत लाजिम होती है. इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो होता है ब्रशेस. ब्रशेस होना बिगनर्स के बाद बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से आप मेकअप वगैरह सीखेंगे. इससे पहले भी मैं बहुत सारे मेकअप ब्रशेस का रिव्यूज़ आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ. ये वाले मेकअप ब्रशेस जो हैं ये हुदा के हैं. अब आप देख सकते हैं इसके ब्रिसल्स चेक करें आप, कितने ज़्यादा सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसमें. ब्रिसल्स का मतलब जो होता है ये इसके जो बाल होते हैं ये सॉफ्ट होना लाजमी होता है. तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं. अब आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट किस्म के ब्रशेस मौजूद हैं, फाउंडेशन ब्रशेस हैं, आई ब्रशेस हैं. सो ये वाला जो पैलेट है हुदा का ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. एक तो ये ड्यूप है, ऊपर से बहुत ज़्यादा सस्ता और अच्छा है. इसकी प्राइस थी 600 रुपीज़. इसके बाद मैं आपको 3-in-1 पैलेट शो कराऊँगी जो कि ट्रैवल किट है. सारा सामान जो मैंने बाय किया है तो वो सारे ट्रैवल किट हैं. छोटे छोटे हैं लेकिन इनके फ़ायदे जो हैं किसी धमाके से कम नहीं है. सो ये वाली पैलेट जो है ये 3-in-1 है. इसमें कंटूरिंग किट मौजूद है, हाइलाइटर किट मौजूद है और ब्लश किट मौजूद है. तो 3-in-1 किट का फ़ायदा ये है कि अलग अलग से उठाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस एक ही मैंने ले लेनी है. मास्टर कंटूर किट इसका नाम है और इसकी प्राइस थी 450 रुपीज़. और अगर आप नेचुरल कंटूर नेचुरल हाइलाइटर चाहते हो तो आपके पास ये वाली किट होना बहुत लाजमी है. हाइलाइटर जो है आपके फीचर्स को जो है इन्हेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और आजकल ब्लश और हाइलाइटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. इसके बाद ये वाला फ़ैन ब्रश मैंने बाय किया है, ये मैक का फ़ैन ब्रश है और इसकी प्राइस थी 250 रुपये. 250 रुपये में ये फ़ैन ब्रश आया है और ये ड्यूप है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये बहुत कमाल का ब्रश है. आई लव फ़ैन ब्रशेस. उसके बाद मैं आपको अपने पाउच का और सामान भी दिखाऊँगी. इसके बाद ये वाला मैक का मेरे पास 2-in-1 केक है जो कि बिल्कुल एंड हो चुका है. ये मेरा पुराना है लेकिन मैंने सोचा कि अगर आपको ये वाला 2-in-1 केक कहीं से मिल जाता है तो आप इसको ज़ाया जाने ना दें, इसको आप ज़रूर बाय करें क्योंकि ये एक
बेस्ट बेस्ट फाउंडेशन और 2-in-1 केक किट थी मेरे पास, जो कि अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये थी भी बाहर की, तो अगर आप कराची से हो तो नाहिद में आपको जो है एब्रॉड का सामान ओरिजिनल जो होता है वो आराम से मिल जाएगा, तो आप नाहिद से इसे बाय कर सकते हैं। सून आई विल बाई दिस। इसके बाद ये वाली पैलेट जो है ये मेरे बचपन की है, और ये मैंने लालू खेत से ली थी, लालू खेत लोकल मार्केट से। लेकिन ये जब मैं मेकअप करना सीख रही थी ये पैलेट मेरे पास तब की है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि इसके जो स्वाचेज हैं ये बहुत ज़बरदस्त स्वाचेज हैं इसके, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है इसकी। हैं तो लोकल, ये मुझे तकरीबन 150 या 100 रुपये का मिला था, क्योंकि ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त था। और हमेशा छोटी छोटी चीज़ें बाय किया करें, बहुत बड़े बड़े पैलेट ये वो ये तो प्रोफेशनल के होते हैं, तो आप बिगनर हैं या टीनेजर्स हैं तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ें बाय किया करें। इसके बाद मोआ का ये पैलेट आ गया मेरे पास, ये ओरिजिनल पैलेट है, आप इसकी हालत देख सकते हैं। ये बाहर से मेरी कज़न ने भेजा था, तो ये बाहर का पैलेट है, लेकिन इसके जो स्वाचेज़ आप चेक करें कितने ज़्यादा पिगमेंटेड इसके शेड्स हैं। और ये ज़्यादातर मैं अपने जब ग्लिटरी लुक करती हूँ या कोई शिमरी लुक करना होता है या कोई क्लाइंट होता है तो उसके ऊपर मैं ये यूज़ करती हूँ, और बेहद ज़बरदस्त आँखों का जो है लुक आता है इस शेड्स को अप्लाई करने के बाद। अब इसकी खस्ता हालत तो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है मेरी पैलेट में मौजूद है, मेरे पास हुदा की एक छोटी सी पैलेट भी मौजूद है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हुदा के मैट शेड मौजूद हैं, ये तकरीबन 10 शेड मौजूद हैं। और मैट, अगर आप लोग मैट पसंद करते हैं, यानी कि ऑफिस गोइंग स्टूडेंट, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अगर जाते हैं तो आप अगर मैट लुक चाहते हैं तो आपके पास ये वाली हुदा की पैलेट होना बहुत लाजिम है। इसकी प्राइस थी तकरीबन 500 रुपये का ये मुझे मिला था, लेकिन अब की प्राइस क्या होगी मुझे नहीं पता क्योंकि अब पैसे बढ़ चुके हैं। उसके बाद मैक का जो है मेरे पास ब्लश किट आ जाती है, एक जो है अल्लाह के करम से टूट चुकी है, तो लेकिन ये वाली ब्लश पैलेट जो है ये ड्यूप है, लेकिन ये जो है शादीशुदा लड़कियों के लिए अच्छी है, लेकिन इवेंट वगैरह में आप जा रहे हो तब के लिए अच्छा है, लेकिन नॉर्मल डेज़ के लिए मैक का जो ब्लश किट है ये आप लोग के साथ जो है मैं शेयर नहीं करूँगी कि आप इसे यूज़ करो, रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये दिन में यूज़ करें। इसके बाद 3D लैशेज़ हैं मेरे पास, इसकी प्राइस थी 400 रुपीज़। अब आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियोस जो मैंने लैशेज़ अप्लाई की होती हैं वो 3D लैशेज़ ही होती हैं, जो कि 350 की आती हैं। इसके बाद जो है मेरे पास नताशा का जो है फाउंडेशन स्पंज है, ये बहुत अच्छा है, ये ओरिजिनल है, इसकी प्राइस थी 280 रुपीज़। इसके बाद मेरे पास किस ब्यूटी, जी हाँ, किस ब्यूटी का ऑयल प्राइमर है मेरे पास। प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है अपनी स्किन के लिए, इससे आपके चिक्स और आपके जो चिन पे पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्लॉक कर देता है उन्हें, लॉक कर देता है उन्हें। और ये जो है ऑयली स्किन वालों गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है किस ब्यूटी का, इसकी प्राइस है 500 रुपीज़ और 480 समथिंग। ऐसे ही प्राइमर आपकी मेकअप किट में होना बहुत लाजिम है, तो आप इसे बाय करें। इसके बाद मेरे पास जो मस्कारा है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि नॉर्मल डेज़ के लिए अच्छा है लेकिन वॉल्यूम नहीं देता आपकी आईज़ को, एक तो वाटरप्रूफ भी है, तो मस्कारा अगर आप वॉल्यूम चाहते हैं अपनी आईब्रो पलकों पे तो ये उनके लिए नहीं है। उसके बाद ये वाला लोशन है मेरे पास, आप देख सकते हैं ये एक बॉडी लोशन है, तो इसका आपको साथ शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद हुदा के ये दो कलर्स हैं मेरे पास, न्यूट कलर्स, ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है, मैट में है, और अगर आपको न्यूट कलर्स पसंद है तब आप ये बाय कर सकते हैं। इसके बाद मेरे साथ बहुत सारी वाइट पेंसिल्स हैं, क्योंकि मुझे क्रेज़ है वाइट पेंसिल्स का, तो मैंने एक साथ बहुत सारी बाय कर ली। इसके बाद क्रालॉन की ये लिपस्टिक का शेड आप देख सकते हैं, क्रालॉन का ये शेड मुझे बहुत पसंद है, इसका नंबर है 40। आपको इसका स्वाच भी मैं दिखा चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत वाला कलर है, और लगाने के बाद आपके होंठों पे मतलब बड़ा ज़बरदस्त लगता है। इसके बाद जो है मेरे पास नार्स का जो है कंसीलर है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, ऑयल फ्री कंसीलर है, ये बिल्कुल भी ऑयली स्किन वालों के लिए है, आप अपने अंडरटोन जो भी आपकी टोन हो उसके मुताबिक बाय किया करें। इसके बाद मैबलिन की बीबी क्रीम आ जाती है, एज़ यू नो कि मैं टीन एजर हूँ, तो मेरे लिए 5-in-1, 7-in-1 बीबी क्रीम बहुत ज़रूरी होती है। इसमें मौजूद है SPF 15, तो ये आपकी स्किन अपने इसकी स्किन के अकॉर्डिंग आप कलर इसे बाय करें। इसके बाद जो है
इस फाउंडेशन या इस बीबी क्रीम को लगाने का फ़ायदा जो आपकी स्किन पे आपको मिलेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसके मिलते हैं। गीले स्पॉन्सेस को लगाना पड़ता है। उसके बाद ओदा ब्यूटी का बीबी क्रीम भी मौजूद है मेरे पास, लेकिन ये वाला जो बीबी क्रीम है ये फुल कवरेज का है, लाइट कवरेज नहीं है। इसके बाद मेरे पास एटीट्यूड का 2-in-1 केक आ जाता है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त। तो गर्ल्स ये थे मेरे तमाम प्रोडक्ट जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किए हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ हैं, कोई महंगे नहीं हैं। तो जल्दी से जाएं और बाय करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। टेक केयर।